नाउ कम टूवर्ड्स पेज 52 वर्ड स्टडी एक्सरसाइज ए है कि फाइंड द वर्ड्स इन द लिस्ट दैट मीन द अपोजिट ऑफ दोज इन द टेबल. अब आपको लिस्ट और टेबल दोनों में वर्ड्स गिवन है तो इसके अपोजिट जो है आपने लिस्ट से लेने हैं और लिखने हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज ऑलवेज. ऑलवेज मीन्स हमेशा. सो इट्स एंटोनिम और अपोजिट इज नेवर. नेवर मीन्स कभी नहीं. द सेकेंड वन इज अराइव. अराइव मीन्स पहुँचना, सही ना, किसी जगह पर जाना, पहुँचना. सो इट्स एंटोनिम इज लीव. लीव मीन्स छोड़ना, निकलना. थर्ड वन है फेमस. फेमस मीन्स मशहूर, जिसको शोहरत मिल जाती है. सो इट्स एंटोनिम इज अननोन. अननोन मीन्स ना मशहूर. फोर्थ वन इज रिमेंबर. रिमेंबर मीन्स याद रखना. सो इट्स एंटोनिम इज फॉरगेट. फॉरगेट मीन्स भूल जाना. फिफ्थ वन इज पुअर. पुअर मीन्स गरीब. सो इट्स एंटोनिम इज रिच. रिच मीन्स अमीर. द सिक्स्थ वन इज ऑर्डिनरी. आर ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी मीन्स मामूली, एक आम चीज़ जो होती है. सो इट्स एंटोनिम इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली, सही ना, जो चीज़ मामूली ना हो. द सेवेंथ वन इज बिगिंस. बिगिंस मीन्स शुरू करना. सो इट्स एंटोनिम इज एंड्स. एंड्स मीन्स ख़त्म करना. द एट वन इज सेल्फिश. सेल्फिश मीन्स खुदगर्ज, वो बंदा जो बस सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है. सो इट्स एंटोनिम इज जेनरस. जेनरस मीन्स सखी, सखावत करने वाला, दूसरों के बारे में सोचने वाला, दूसरों पर क्या करने वाला, पैसे खर्च करने वाला, सही ना. द नाइन्थ वन इज बेटर. बेटर मीन्स कड़वा, सही है ना. एंड इट्स एंटोनिम इज स्वीट. स्वीट मीन्स मीठा. द टेंथ वन इज होप. होप मीन्स उम्मीद, सही है ना. एंड इट्स एंटोनिम इज डिस्पेयर. व्हाट इज इट? डिस्पेयर, डी ई एस पी ए आई आर. डिस्पेयर मीन्स ना उम्मीदी या मायूसी. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज बी ऑन पेज 52. वोकैबुलरी है कि यूज़ अ राइमिंग वर्ड टू कम्प्लीट ईच सेंटेंस प्रॉपरली. आपने क्या करना, एक पोम्स आपको गिवन है तो आपने इसके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं कि हर एक सेंटेंस जो है वो कम्प्लीट हो जाए. सो यू कैन नॉट वेयर द ड्रेस विद द स्केयर. अब देखें, यू कैन नॉट वेयर द ड्रेस विद द स्केयर. सो द राइमिंग वर्ड ऑफ वेयर इज स्केयर. वेयर मीन्स पहनना, स्केयर मीन्स खौफ. कहते हैं कि आप कपड़ों को खौफ के साथ नहीं बदल सकते, सही ना. जब आप इंसान को किसी चीज़ से खौफ या ख़तरा तो वो फिर एक काम नहीं कर सकता. सो द सेकेंड वन इज़ द मैन हैज़ अ सीक्रेट प्लान. द मैन हैज़ अ सीक्रेट प्लान. आदमी के साथ एक खुफिया मंसूबा है. सो द राइमिंग वर्ड ऑफ मैन इज़ प्लान. प्लान मीन्स मंसूबा. ओके. द थर्ड वन इज़ व्हाट डिड यू ब्रिंग टू गिव टू द किंग. तुम बादशाह को देने के लिए क्या ले आए हो. सो द राइमिंग वर्ड ऑफ ब्रिंग इज किंग. द फोर्थ वन इज़ आई ऑलवेज कंप्लेन इफ आई हैव एरोप्लेन. ओके. मैं हमेशा ये कंप्लेन करता हूँ, शिकायत करता हूँ कि मेरे पास एक एरोप्लेन, एक जहाज होता है. सो द राइमिंग वर्ड ऑफ कंप्लेन इज एरोप्लेन. द फिफ्थ वन इज़ आई सॉ अ लवली केक बट इट वॉज फेक. सो द राइमिंग वर्ड ऑफ केक इज़ फेक. मैंने एक बहुत प्यारा केक देखा लेकिन वो नकली था. द फिफ्थ वन इज़ आई डोंट थिंक ही न्यू देयर वर ओनली अ फ्यू. सो द राइमिंग वर्ड ऑफ न्यू इज़ फ्यू. मेरा ख्याल नहीं है कि उसे पता था कि यहाँ पर बस कुछ चंद ही चीज़ें हैं या अफराद है. द सेवेंथ वन इज़ वी केम टू हार्म. वी केम टू नो हार्म बिकॉज वी हैड अ फायर बॉम्ब. हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि हमारे पास क्या था, फायर बाम. मीन्स जब आपका स्किन या वगैरह जो है जल जाते हो, जिस पर आप बाम लगाते हो, मरहम लगाते हो. सो द राइमिंग वर्ड ऑफ हार्म इज़ बाम. द एट वन इज़ प्लीज़ लेट मी नो व्हेन यू फाइंड माय चो. सो द राइमिंग वर्ड ऑफ नो इज़ चो. चो मीन्स कुत्ता. प्लीज़ मुझे जानने दो कि तुमने मेरा कुत्ता कब तलाश किया. सो कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज सी ऑन पेज 52. वर्ड स्ट्रक्चर है कि राइट वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर. आपको ये लेटर्स गिवन है जी एल टी आर एस के एफ आर एन एस क्यू यू. तो इससे जौन से वर्ड्स स्टार्ट होने हैं आपने लिखने हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज जी एल. जी एल से ये जो मैंने ब्लैक से लिखे हैं दीज आर गिवन इन योर बुक. ओके. सो द वेरी फर्स्ट इज ग्लेड. ग्लेड मीन्स जंगल के अंदर खुला हुआ मैदान. ओके. सेकेंड वन इज़ ग्लोब. ग्लोब मीन्स गोल चीज़, जिस तरह हम कहते हैं ना वो ग्लोब जो गोल सा वो होता है, जिस पर हमारे वर्ल्ड का नक्शा गिवन होता है, मैप. ग्लेयर. ग्लेयर मीन्स झलकना, दिखाई देना. ग्लो, जी एल ओ डब्ल्यू. ग्लो मीन्स चमक. एंड ग्लव, जी एल ओ वी ई. ग्लव मीन्स दस्ताना, जो आप हाथों में पहनते. द सेकेंड वन आपने ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो टी आर से स्टार्ट होते हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज़ ट्रेन. ट्रेन एक रेलगाड़ी को भी कहते हैं, कहते हैं तरतीब देना. सेकेंड वन है ट्रक. ट्रक मीन्स सौदा करना या गाड़ी जो होती है, बड़ी गाड़ी. थर्ड वन इज़ ट्री. ट्री मीन्स दरख्त.
फोर्थ वन इज़ ट्रू, ट्रू मीन्स सच, एंड फिफ्थ वन जो है बुक में गिवन है ट्राइब, ट्राइब मीन्स कबीला या कौम। थर्ड वन है एस के से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, स्किन, स्किन मीन्स चमड़ा या खाल, स्किम, स्किम मीन्स बलाई उतारना, जब आप दूध वगैरह को गर्म करते हो उसकी बलाई आप उतारते हो। स्काई, स्काई मीन्स आसमान, स्किल, स्किल मीन्स हुनर, जब आपके साथ कोई हुनर हो, टैलेंट हो आप में। एंड स्किप, एस के ई पी, स्किप जो है शहद की मक्की का जो छत्ता होता है उसको स्किप भी कहते हैं और हाइफ भी कहते हैं। अच्छा तो फोर्थ वन इज़ एफ आर, ओके, सो एफ आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड, सो फ्रॉक, फ्रॉक मीन्स औरतों का कुर्ता जो औरतें पहनती है, जिस तरह बच्चियाँ फ्रॉक्स वगैरह पहनती है। फ्रिल, फ्रिल मीन्स झालर, जो जिस तरह हम कहते हैं ना एक वो चूड़ीदार सा झालर हम बनाते हैं कपड़ों वगैरह के, आस्तीन जो है होते हैं से ना उस पर हम लगाते हैं। फ्रीज, फ्रीज मीन्स मुंजमित होना, जम जाना। फ्रेम, फ्रेम मीन्स नक्शा बनाना। फ्राई, फ्राई मीन्स भूनना। फोर्थ वन इज़ क्यू, यू से स्टार्ट होने वाला, स्क्वाट, स्क्वाट मीन्स अल्टी पाल्टी मारना, जब आप ज़मीन पर बैठते हो सही ना, खाना वगैरह जब आप खाते हो और आप अल्टी पाल्टी मारते हो तो उसको हम कहते हैं स्क्वाट। स्क्वाप, स्क्वाप मीन्स जो हद से ज़्यादा मोटा होता है सही ना, ये इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो, या कोई कपड़ा वगैरह या कोई और चीज़। स्क्वाट, स्क्वाट मीन्स सवारों का दस्ता या जुमात, सही है ना। स्क्वाल, स्क्वाल मीन्स ज़ोर से चिल्लाना। एंड स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स चौकोर या मुरब्बा। सो ये स्टूडेंट्स वी आर डन विद दीज वर्ड्स दैट स्टार्टेड फ्रॉम जी एल टी आर एस के एफ आर एंड एस क्यू यू।